हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निसा राज ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है कंफ्यूजन के ऊपर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्या, कंफ्यूज रहते हैं कि जो चीज़ें वो तैयारी कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में उनकी तैयारी हो पा रही है, क्या वो जो पढ़ रहे हैं उनसे उनका रिजल्ट हो पाएगा, या फिर जो पढ़ रहे हैं क्या वो फालतू की चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको एक परफेक्ट दिशा होना चाहिए। अगर आप जो है परफेक्ट दिशा में अगर तैयारी नहीं करते हैं एकदम बिल्कुल जैसे जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है आप उससे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ज्ञान तो आपका बढ़ता ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी ही नहीं है आप उसे क्यों पढ़ें? क्योंकि उससे आपका एग्ज़ाम तो निकल नहीं जाएगा। ज्ञान भले बढ़ जाएगा, आप विद्वान बन जाएंगे, आप बहुत ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप सिलेबस लें। ओके, हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है और उन सिलेबस को ध्यान से पढ़ें कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। क्योंकि हर किसी एग्ज़ाम का लेबल अलग होता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम का लेबल अलग है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम का लेबल है वो अलग है, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक अलग लेबल है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसका भी अपना लेबल है, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसका भी अपना लेबल है। मतलब कि एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, किसी भी क्षेत्र में जाएं तो सबका एक अलग अलग सिलेबस होता है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। ऐसे क्या होगा, फालतू की चीज़ें बस पढ़े जा रहे हैं, जीके पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। अब आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया कि हाँ मुझे ना मैथ पढ़ने हैं, मुझे ना जीके पढ़ने हैं, साइंस पढ़ने हैं, अब दूसरी चीज़ें आपको क्या करनी है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। मार्केट में मिलता है क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक को आप परचेस कर लें। क्योंकि अगर आपने तैयारी करनी है तो आपको बुक तो खरीदना ही पड़ेगा, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। मैं बार बार कहती हूँ कि बुक खरीदने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले आएँ, उन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से एनालिसिस करें, कुछ चीज़ें खुद भी कर लें, दूसरे पर डिपेंड ना रहें कि कोई यूट्यूब चैनल पर जाऊँगा और उसे देख लूँगा हाँ क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, कहीं और से सुन लिया बस उस पर नहीं। कुछ चीज़ें खुद भी टारगेट करें, खुद से भी मेहनत करें। जब आप कोई चीज़ें खुद से खुद अपने हैंड में लेकर उसे करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा होगा, आइडिया भी बहुत ज़्यादा मिलेगा कि किसके लिए क्या करना है। अब उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से एनालिसिस करें कि किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है। अगर प्रीवियस फाइव ईयर के भी क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आपको पूरी तरह से आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओके, अब तीसरी चीज़ें आपको क्या करनी है, आपने डिसाइड कर लिया, आपको समझ में आ गया आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, अब बस आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने से बचें, इससे आपका टाइम किल होगा। और मैंने कहा ना विद्वान तो आप बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, लेकिन आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, जो चीज़ें ज़रूरी है बस वही चीज़ें पढ़नी है। अब आप एक चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि जिसमें कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं मैथ के वनस्पत, तो जीके जीएस में आपको क्या करना है कि या तो एक लूसेंट बुक रखें या फिर क्राउन बुक रखें, ये दोनों ही बुक बहुत अच्छी बुक है। तो इन दोनों बुक को में से कोई भी एक बुक को आप अच्छे से कवर कर लें। अगर आपके एग्ज़ाम में मात्र 2-3 महीने ही बाकी हैं तो उन 2-3 महीनों में ही आप उसे कवर कर लें। आपको कैसे करना है, हर रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लें कि आपको 5 पेजेस पढ़ने हैं या फिर 10 पेजेस पढ़ने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। बस एक दिन पहले टारगेट फिक्स करें और दूसरे दिन उसे पढ़ना स्टार्ट करें। जब तीसरे दिन आप एक दिन पहले वाला टारगेट को पूरा कर रहे होंगे तो उसे आप बस एक बार रिविज़न कर लें, फिर तीसरे दिन आप यही करें, फिर पीछे वाले को रिवीजन करें, फिर आप आगे बढ़ें। अगर ये प्रक्रिया आप अपनाते हैं तो ये चीज़ें आपके माइंड में जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से लॉक हो जाएगा और वो याद रह जाएगा, काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जैसे ही चीज़ें आप फिर से धीरे धीरे भूलना शुरू कर रहे हैं फिर से आप उसको एक बार रिवीजन कर लें। तो ये सिलसिला होना चाहिए आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, उसका टाइम मैनेजमेंट,
ओके, टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने अभी नहीं बताई। अब जैसे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका सेट लगाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। अगर आप सेट लगाते हैं तो एग्ज़ाम में एक तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। ये नहीं कि मतलब टाइम निकल गया, मैंने तो क्वेश्चन बना भी नहीं पाया, सॉल्व भी नहीं कर पाया, मेरे क्वेश्चन बच गए, मैं जान रहा था क्वेश्चन को लेकिन मैं बना नहीं पाया, टाइम मेरे पास कम पड़ गया, ये सारी जो समस्याएँ आती है वो सारी समस्याओं से आप बच पाएंगे। आप डेली कंटिन्यू रखें, या तो आप अपने फ्रेंड के साथ बना सकते हैं या फिर आप खुद अकेले बना सकते हैं, क्योंकि आपको जॉब जब करना है, आपने ठान ही लिया है कि मुझे जॉब करना है, तो फिर आप किसी दोस्त कोई मिले ना मिले उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आप अपनी धुन में मगन रहें और आप अपनी तैयारी में भिड़े रहें। तो सेट को हर दिन करें बिल्कुल हमेशा, और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसे आप टाइम टू टाइम देखते रहें। उनसे आपको बीच बीच में जैसे ही भूलने लगते हैं कि ओह किस टाइप का क्वेश्चन था, मैं कुछ गलत तो नहीं, तो आपको ना फिर से एक बार आइडिया आ जाएगा कि नहीं, मैं सही दिशा में अपनी तैयारी को कर रहा हूँ और अच्छे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, जो जरूरी चीज़ें हैं मैं वही चीज़ें पढ़ रहा हूँ। कई बार होता क्या है कि हमारे साथ जो पार्टनर होते हैं पढ़ने वाले, उनका सिलेक्शन हो जाता है और आपका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो हम बहाने बनाने लगते हैं, अरे वो तो पढ़ने में भी नहीं था, उसका लक अच्छा है, उसका सिलेक्शन हो गया, नहीं तो उसका तो हो भी नहीं पाता, उसे तो कहीं ज़्यादा मेहनत में करता हूँ फिर भी मेरा नहीं हो पाया। तो ये सारे बहाने आप खुद को समझा रहे हैं, आप किसी और के लिए बहाने नहीं बना रहे बल्कि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इन चीज़ों से आप बचें। कोई स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट वर्क जैसे कि आपको कहीं जाना है, उस जाने के लिए बहुत सारे रूट होते हैं, लेकिन उनमें से एक सटीक रूट आपको पता करना होता है। क्यों, अब जैसे कहीं अनजान जगह आप जा रहे हैं जहाँ आपने कभी नहीं गए, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट बैग उठाते हैं, बस गए स्टेशन पे, ट्रेन आई, चढ़ गए और चले गए, ऐसा तो आप नहीं करते ना। सबसे पहले पूछते हैं कि नहीं से पता करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं कौन सी ट्रेन वहाँ तक जाती है, कौन सा रूट उसके लिए सही है, ये सारी चीज़ें पता करने के बाद अब तब पैकिंग करते हैं और फिर आप जाते हैं। तो आपको अपना जो सफ़र होता है वो तय करने में आसानी भी होती है, टाइम कम लगता है और समय पर आप वहाँ पर पहुँच पाते हो। बस वही सेम चीज़ें आपके एग्ज़ाम के साथ है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से वर्क करें, जो चीज़ें ज़रूरी है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, एक निश्चित आप हर रोज़ का टारगेट बना लें कि ये मुझे हर रोज़ करना है। क्योंकि जैसे होता है ना कि कभी कभी होता है ओह कल पढ़ लूँगा, क्या दिक्कत, आज थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। नहीं, आराम क्यों करना, आराम करने के लिए अभी काफ़ी समय पड़ा हुआ है आपके लिए, आराम नहीं करना है आपको, बस कुछ ही दिन ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है और फिर बाकी बात बिल्कुल आराम यार है, बिल्कुल फिर लाइफ जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके। ओके, तो आराम करना है लेकिन बाद में आराम करना है, अभी आपको ईमानदारी से पहले तैयारी करनी है, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे तो बिल्कुल आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर आने से पहले ही मन में एक संतुष्टि होनी चाहिए कि नहीं, मेरी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे तो मैं इतने क्वेश्चन तो उसमें सॉल्व कर ही लूँगा। बिल्कुल पहले से ही फिक्स होना चाहिए कि आप अगर सपोज करें बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर NTPC की कर रहे हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले ही आपको टारगेट होना चाहिए कि नहीं, इस बार तो मैं 100 में इतना क्वेश्चन, किसी भी हालत में इतना क्वेश्चन मैं करके आऊंगा, चाहे जितने भी मार्क्स से उसे मेरिट उठाने हैं, मेरा सिलेक्शन उसमें 100% होगा। ये कॉन्फिडेंट अंदर से आना चाहिए, और ये कब आएगा, जब आप बिना बेईमानी किए ईमानदारी से सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, आपको ये कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा कि कहीं मैं गलत चीज़ से नहीं पढ़ रहा, क्या मैं फालतू की चीज़ें तो नहीं पढ़ रहा, इन सब का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और हाँ, सेट में मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ करना है उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।